बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स जी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम किसी भी डिजिट की पावर ज़ीरो ले तो इक्वल टू वन आता है। हमने ए की पावर ज़ीरो ली थी, उसको इक्वल टू वन प्रूफ किया था। उसके बाद हमने कहा था कि हम चाहे 100 या कोई भी वैल्यू ले लें, उसकी पावर अगर ज़ीरो होगी तो हम आपको उसका आंसर 1 दे देंगे। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुई थी कि क्या 0 की पावर 0 भी इक्वल टू 1 है। तो आज हम इसका प्रूफ करने जा रहे हैं कि 0 की पावर 0 इक्वल टू 1 है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, बहुत ही लॉजिकल तरीके से हम इसका प्रूफ करेंगे। ये हमारे पास 0 है और इसकी पावर हमने 0 लिख ली है। अब आपको पता है कि 0 को हम लिख सकते हैं जी 1 माइनस 1। अब जो 0 को 1 माइनस 1 लिखा है इसको हम बिल्कुल ऐसे भी लिख सकते हैं। अब माइनस 1 को हम नीचे ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब 0 ओवर 0 जो है वो इक्वल टू 1 नहीं होता। 0 ओवर 0 हमेशा क्या होता है जी, अनडिफाइंड होता है। इसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते। 0 ओवर 0 अनडिफाइंड। सो इधर से हम यहाँ पे वापस चलते हैं, 0 ओवर 0 अनडिफाइंड है तो 0 की पावर 0 1 के इक्वल नहीं है। 0 की पावर 0 किसके इक्वल है जी, 0 पावर 0 इज इक्वल टू अनडिफाइंड। यहाँ पे आपको किसी एंट्री टेस्ट में या वैसे आपसे पूछा जा सकता है कि ए की पावर 0 इक्वल टू 1, तो क्या 0 की पावर 0 भी इक्वल टू 1 होगा। तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन में मौजूद होगा अनडिफाइंड, तो आपने अनडिफाइंड पे जी क्लिक करना है, टिक करना है। 0 की पावर 0 इज़ नॉट इक्वल टू 1, 0 पावर 0 इक्वल टू अनडिफाइंड। तो जी ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेशन, हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट्स दीजिएगा। थैंक यू।